स्टूडेंट्स बेटा, अकाउंट एंड मैथ्स ऑफ सेवन्थ क्लास, आज हम उसका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। इस वीडियो के अंदर देखें, उसमें उसने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये मांगा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल नंबर्स। तो बेटा, इसकी सबसे पहले तो रैशनल नंबर की थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में आप सीखें कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी वो तमाम नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हों। अब आप समझेंगे कि ये P और Q क्या है। ये कोई भी नंबर्स हैं, यानी ऊपर जैसे 3 है, नीचे 5 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल, ये दो तरह के होते हैं। अब रैशनल कैसे होते हैं, इरेशनल कैसे होते हैं, वो आप देखें तो उनकी पहचान एक ख़ास तरह की पहचान होती है। अगर आप इसे डिवाइड करें, डिवाइड करने से देखें मेरे पास क्या नंबर आ रहा है। 3 को मैं अंदर रखता हूँ, 5 पे डिवाइड करता हूँ, तो देखें ये छोटा नंबर है या बड़ा है, तो इसके साथ मैं 0 लगाऊँगा, ऊपर पॉइंट लगा लूँगा, तो 5 6 30 आ गया। देखें ये ख़त्म हो गया, तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ 0.6, यानी 0.6 इसका आंसर आ गया। तो ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर कैसे है, क्योंकि ये देखो ये डिवाइड होने के बाद ख़त्म हो गया। अगर तो कुछ नंबर ऐसे जैसे 1/3 है, अब 1/3 है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 1 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करूँगा, तो देखें पॉइंट लगाऊँगा, तो 0 लगाया तो पॉइंट लगा दिया, तो 3 3 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 3 9, फिर देखें 1 आएगा, 0 लगाऊंगा, फिर ये देखें ना एक ही नंबर बार बार आता जा रहा है, बार बार आता जा रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा। यानी अगर आप उसको डिवाइड करने से उसके पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट आता जाए, तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जो बदल बदल कर आएंगे, तो उन नंबर्स को इरेशनल कहा जाएगा। जो डिवाइड होने के बाद यहाँ पर बदल बदल कर आएगा वो इरेशनल कहलाएगा, जबकि जो सेम नंबर आएगा वो रैशनल होगा। इसके अलावा इसकी दूसरी पहचान ये है, वो कहता है कि इफ़ पी एंड क्यू जो होंगे, अगर दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर ऊपर 3 है नीचे 0 है, तो ये वाला नंबर जो होगा वो आपका इरेशनल होगा। बाकी अगर ऊपर 0 नीचे 3 है, नीचे उसने देखो ना शर्त ये दे दी है कि पी और क्यू अगर इस फॉर्म में लिखा हो, उसमें Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो नीचे नंबर पड़ा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर चाहे जो मर्जी हो। तो अब आपने ये ख्याल करना है, अगर जिसके नीचे 0 आ गया वो इरेशनल है, जिसके नीचे 0 नहीं आएगा वो रैशनल है, वो इरेशनल है, जिसके नीचे 0 आ जाए वो इरेशनल, जिसके 0 ना आए वो रैशनल होगा। तो ये अब आप देखें इसमें, जस्ट अभी आप इस क्लास के लिए ये इतना ही आप याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर या जैसे ही आप 8th 9th के अंदर आएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी समझ आती जाएगी। तो आप इसमें क्यों देखें, ये देखें 3 है, तो 3 को अगर हम इसको 3 को मैं नीचे 1 लिख लूँ, तो ये देखें इट कैन बी रिटन लाइक दिस, तो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। तो इसके ऊपर मैं जस्ट आर लिख रहा हूँ, ये देखें ये भी रैशनल है। ये देखें ये 3/0 लिखा हुआ, तो ये बेटा याद रखें ये इरेशनल है। फिर ये भी रैशनल है, ये देखें ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और ये वाला आपका इरेशनल है। यानी सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 3rd और 6th 7th जो है ये वाले इरेशनल है, बाकी तमाम जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। जस्ट इसमें उसने यही कहा कि इसमें आपने ये अलहदा करने हैं कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल है। अब ये देखें, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज अ इंटीजर्स, यानी आपने इनको एज अ इंटीजर्स के तौर पर लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं साथ साथ। तो बेटा ये देखें, मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 2 को उतार लिया। अब आपने इनको समझने के डिवाइड करके जस्ट एज एन इंटीजर क्या आता है वो आपने लिखना है। देखें तो 7 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 आएगा। 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। देखें ये प्लस माइनस, माइनस इसके साथ आएगा। इधर भी आपका 9 आ जाएगा, यानी 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, लेकिन साथ माइनस का साइन आएगा। ये देखें ये डबल माइनस आ रहा है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस से आपस से कैंसिल हो जाएगा और 21 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इनमें इनको आपने इस तरह एज एन इंटीजर के तौर पर लिख लेना है आपने। इसका इसी वीडियो के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, उसने ये लिखा हुआ है, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिरेटर इज 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 21 माइनस 2। तो सबसे पहले तो ये आप देखिए कि ये न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर क्या चीज़ है। अब न्यूमिरेटर
जो नंबर ऊपर पाया जाता है उस ऊपर लिखा होता है इस तरह से डिवीजन फॉर्म में, उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये तो नंबर आप याद रख लें कि ये न्यूमरेटर ऊपर वाले में, जो अगर डिवीजन फॉर्म में लिखा है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें, कहते हैं इस रैशनल नंबर को इस तरह लिखें कि जिसका न्यूमरेटर ये है, यानी ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है क्या -7 × 2, ये आपका न्यूमरेटर है, ये देखें ना, ये न्यूमरेटर है, एंड हुज डिनोमिनेटर इज 21 − 2, तो डिनोमिनेटर क्या है 21 − 2। तो देखें बेटा यहाँ पे आपने क्वेश्चन सारा लिख लेना है, मैं जस्ट उसका सोल्यूशन यानी सॉल्व कर रहा हूँ उसे। तो देखें ये क्या हो रहा है, 7 × 2, 7 × 2 = 14, देखें ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने साइन को ख्याल करना है कि दोनों हो क्या रहे हैं आपस में, जबकि नीचे देखें ये नीचे दोनों माइनस हो रहे हैं, 21 में से ये 2 निकल जाएंगे तो बाकी क्या आ जाएगा आपके पास, बाकी आपके पास 19 प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ से ये कैंसिल हो जाए, रिड्यूस कर सकते हैं आप छोटा नंबर यानी लेके आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कट रहे तो मैं इसका यही आंसर दे देता हूँ। तो ये तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, इसी का हम सेकंड 4th पार्ट भी देखते हैं कि 4th के अंदर उसने क्या मांगा है। तो 4th के अंदर ये देखें, उसने ये कहा है कि राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 15 − 4, न्यूमरेटर मीन कि ऊपर वाला नंबर 15 − 4 है, जबकि उसका एंड हुज डिनोमिनेटर इज 37 × -2, 37 × -2, ये वो कह रहा है उसका डिनोमिनेटर हो, तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब आप इसे सॉल्व कर लें, ये देखें अगर ये न्यूमिनेटर की जगह वो वैल्यू फ़र्क भी कर दे तो आपने परेशान नहीं होना, जस्ट न्यूमिनेटर आप ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर जो है वो नीचे लिखेंगे। तो अब आप देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों के दरमियान में साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस करेंगे तो ये ऊपर 11 आ जाएगा, देखें ना 15 में से 4 माइनस हो जाएगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने याद रखना है मल्टीप्लाई का साइन जो है वो प्लस या माइनस के साथ कभी भी कोई असर नहीं रखता, वो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस के साथ टकरा सकता है, माइनस प्लस के साथ, ये दोनों साइन ना तो मल्टीप्लिकेशन के साथ टकराएंगे ना ही डिवीजन के साथ टकरा सकते हैं, तो ये ख्याल करना है आपने। तो ये देखें 37, ये तो ऊपर तो 11 आ गया, 37 को जब 2 से करेंगे तो देखें क्या आ रहा है, 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6 and 8 = 7, और ये आ जाएगा मेरे पास यानी 11/74, और ये देखें -7 ऐसे ही आ जाएगा। इसी का अगर आप बी पार्ट देखते हैं यानी सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट उसने देखा है कि एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आप देखें ना इस क्वेश्चन के अंदर जो डिनोमिनेटर आया है वो नेगेटिव आया, तो उसने कहा है कि इसको आप सेकंड क्वेश्चन में ऐसे एक्सप्रेस करें कि इसके डिनोमिनेटर से जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाए। तो आपने बेटा कुछ नहीं करना, जस्ट इस माइनस साइन को ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है और नीचे आपने पॉजिटिव कर देना, तो ये आपका आंसर आ गया कि आप डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दें, तो पॉजिटिव करने के लिए आपने साइन को जस्ट ऊपर ट्रांसफ़र कर देना, ये उसका आपका यहाँ पर आप सेकंड पार्ट लिखें उसका आंसर जस्ट आपने ये मेंशन कर देना है। तो ये तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने क्या एक्सप्रेस करें इस नंबर को 3/7 को माइनस का एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 6 − 15 = 3 and 9। यानी ये देखिए आपके क्वेश्चन उसने 5th दिया है कि आप इस नंबर को -3/7 को इस तरह से एक्सप्रेस करें कि उसका न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, तो आपने ऊपर नंबर पहले 6 लेकर आना है, फिर 15 माइनस 15 लेकर आना है, फिर 3 लेकर आना है, फिर 9 लेकर आना है। तो आपने इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 6 आए, किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 15 आए, ये आपने ख्याल करना है। तो नंबर 6 पहले नंबर पहले न्यूमरेटर में लेकर आए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो आपने उसका नहीं ख्याल करना, न्यूमरेटर देखें आपका ये 6 लेकर आना है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसे, देखिए -3/7 है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई 6 लेके आने के लिए मैं इसे 2 से कर दूँ, अगर 2 से कर रहा हूँ तो डिवाइड भी 2 से ही करूँगा, क्यों, क्योंकि देखें अगर ये कैंसिल होंगे तो वापस मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी, तो मैं तो जस्ट ये न्यूमरेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखें 3 × 2 = 6, 6 आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा 7 × 2 = 14, तो 7 × 2 = 14 आपने ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को नीचे से कर देना, लेकिन अब देखें यहाँ पर साइन उसने क्या दिया,
पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ भी माइनस लगा दूँगा, इसके साथ भी माइनस लगाऊँगा, तो देखें क्या होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे और 7 × 2 = 14 आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने, और दूसरा बात ये कि यहाँ पर भी माइनस लगाना है, क्यों, देखिए ना माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 2 × 2 से कैंसिल हो जाएगा, वापस यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अब आपका ये वाला देखें, ये इससे माइनस माइनस प्लस हो के ये 16 आ जाएगा, जबकि नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें माइनस इसके साथ नीचे यहाँ पे आप लगा दें, यानी माइनस वो नीचे आप ट्रांसफ़र कर दें, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब आपने 15 बनाना है न्यूमिरेटर में, तो -3/7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 15 आए, तो बेटा 5 से करें, नीचे भी आप 5 से कर दें, जो ऊपर करेंगे वही नीचे कर देना, तो देखें 5 × 3 = 15 आ रहा है, माइनस में नीचे 5 × 5 = 35 आ जाएगा, नीचे कुछ भी बने लेकिन जस्ट आपने जो नंबर उसने दिया है ख्याल उसका रखना है कि वो नंबर लेकर आना है। अब यहाँ पर देखें उसने कहा 3 चाहिए हमें, तो आप -3/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन से करेंगे और नीचे डिवाइड भी -1 से ही करेंगे, तो देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और नीचे आपका 7 माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर इसमें आ गया। देखिए नीचे जो मर्जी आए, आपने न्यूमिरेटर जो है, जो उसने नंबर गिवन दिया है उसके मुताबिक बनाना है, ये वाले उसने दिए हुए हैं कहता है ये बनाओ, तो अब 9 बनाना है, तो देखें 3/7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 9 आए, तो मैं -3 से करूंगा, नीचे भी -3 से, देखो ना ये कटेगा तो वापस वही नंबर आ जाएगा, तो अब आपने देखो 3 को करेंगे तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा न्यूमिनेटर, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में 7 × 3 = 21 आ जाएगा, तो वो माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका न्यूमिनेटर आप देखें 9 बन गया, नीचे जो मर्जी बने, तो आपका ये नंबर आपके सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5th जो था। तो अब आप इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5th तक मैंने सॉल्व कर दिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम मतलब चलें इसी वीडियो के अंदर हम इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए उसने अब आपको कहा है कि एक्सप्रेस करें इस -2/5 को, ये एक रैशनल नंबर है, इसको ऐसे एक्सप्रेस करें कि जिसका डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास 5 आए, -15, -40 and -50 आए, ये देखें ना बेटा सेम ऐसे ही है जैसे मैंने ऊपर किया, ऊपर वाला तो न्यूमिनेटर किया है, अब आपने डिनोमिनेटर को करना है, अब आपने कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर के अंदर अब आपने 5 लेकर आना है, तो ये देखें -2/-5 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, तो बेटा याद रखें मैं इसे -1 से करूँगा तो फिर मेरे पास डिनोमिनेटर में 5 प्लस का आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो बेटा इसमें देखें 5 आपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, तो देखें -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी कर देंगे, तो देखें ये जब आपस में कैंसिल होंगे तो वापस आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, जब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 × 2 × 1 करेंगे तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा, 5 × 1 = 5 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखें ये डिनोमिनेटर मेरे पास 5। इसी तरह से -15 अब आपने बनाना है, तो 2/5 आपको गिवन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 15 आना चाहिए, तो देखें 5 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 15 आ जाएगा माइनस में, और अगर ऊपर आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास जो भी हो वो कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट नीचे वाले का नंबर को देखना है और ये ख्याल करना। आप देखें यहाँ पर आप इसमें देखें ना दोनों के साथ माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस, तो ये देखें 3 × 2 = 6 आपके पास आ रहा है, लेकिन नीचे 3 × 5 = 15 माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ऊपर भी माइनस, ये मतलब माइनस आ जाएगा, नीचे भी माइनस आ रहा है, तो अब आप ये देखें कि आपने 3/3 से इसे मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये 6/15 है, तो दोनों में नंबर देखें कि आपको 3/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो 3/3 से कैंसिल होकर आपके पास ये, आप देखिए न्यूमिनेटर कुछ भी बने लेकिन आपने डिनोमिनेटर को आपने माइनस रखना है, देखें ना -15 दिया हुआ है। इस तरह से अब आपने 40 बनाना है, तो देखें मेरे पास जो गिवन वैल्यू है वो 2/5 माइनस में है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब इसको 8 से करूँगा तो ये मेरे पास 40 आ जाएगा, ऊपर भी 8 से करूँगा, लेकिन ये देखें ये पॉजिटिव में है तो लिहाजा मैं इधर भी माइनस लगा देता हूँ, इधर भी माइनस लगा देता हूँ, तो देखिए दोनों माइनस माइनस, ये +16 हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस ये 40 आपके पास प्लस का आ जाएगा। अब आपने इसको 50 बनाना है, तो 2/5 ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 50 आए, 5 को मैं 10 से करूँगा मल्टीप्लाई तो 50 आएगा, ऊपर भी 10 लगा देता हूँ, और देखें ये माइनस में है, तो माइनस में है तो आप लिखें 10 × 2 = 20
फाइव टाइम्स आर 50, तो ये माइनस में भी ये आपका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, यानी समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 6 के भी ऑल पार्ट्स मैंने इसमें सॉल्व कर दिए हैं। तो आपने सेम इसी पैटर्न से आपने उनको सॉल्व करते जाना और कॉपी करते जाना। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें उसने क्या क्या एक्सप्रेस दीज नंबर एज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को आपने पॉजिटिव करना है। तो देखें आपको ये नंबर गिवन इस तरह से है, तो आपने क्या करना है कि देखो 7/1 आपने डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव करना है। अगर माइनस साइन है तो उसको ऊपर ट्रांसफ़र करते जाएँ। तो ये देखें आप, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5/2 आपका आ जाएगा। ये भी दोनों कैंसिल होकर आपके पास 31/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखें एक माइनस है तो 9/5 आ जाएगा, माइनस आपका ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जस्ट इसका आंसर आपने इस तरह से बयान कर देना है। उसने कहा आप इसको इस तरह एक्सप्रेस करें कि इसके जो डिनोमिनेटर है वहाँ से माइनस ख़त्म हो जाए। तो आपने माइनस को जस्ट ऊपर ट्रांसफ़र, अगर सिंगल माइनस है तो उसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दें, अगर डबल माइनस है ऊपर भी नीचे भी, तो आप दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये नंबर उसने कुछ आपको दिए हुए, इनको वो कह रहा है कि नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करें। तो नंबर लाइन पर आपने इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखें ना 11/4 लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, तो हमें ये पता नहीं है कि ये 11/4 कहाँ पर नंबर लाइन में आएगा। तो इसका पता करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 पर तो क्या आता है हमारे पास। देखें ना 4 2s are 8 आएगा, यहाँ से 3 बाकी आ जाएगा। इसके बाद देखें ना ये छोटा होगा ये बड़ा है, तो अब मैं इसके साथ 0 लगाता हूँ, और यहाँ अगर 0 लगाता हूँ तो ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब आप 4 का टेबल 30 से नीचे कौन से नंबर पे आता है, 7 4s are 4 7s are 28 आएगा। तो अब 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 28 आएगा, 7 ऊपर लगा दिया, अब फिर 0 यानी 2 बाकी है, 2 5s are 4 5s are 20। तो ये देखें पूरा नंबर अब मेरे पास आया है कि इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2.75 माइनस में। अब आप नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, देखें आपने एक स्केल से अपने साथ अपने रजिस्टर के ऊपर ऐसे एक लेड पेंसिल के साथ ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, उसके सेंटर पे आपने यहाँ पर 0 मेंशन करना है। राइट साइड पर इसके जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी आपने ये एक ना मुनासिब सा डिस्टेंस रखना है, बराबर का डिस्टेंस रख के आपने कुछ इस तरह से उसके ऊपर निशान लगा लेने हैं। तो ये आपका शो करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा ये आप पेंसिल से जब लिखोगे तो ये आपका बिल्कुल वाजह नज़र आएंगे। मेरे पास ज़रा ये मार्कर का जो थोड़ा सा साइज़ है वो मोटा है, इसलिए ज़रा से सही मेंशन नहीं हो रहा। तो 11 इस तरह से, और जो लेफ़्ट साइड पर आप ऐसे ही निशान लगाएंगे वो आपके नेगेटिव में होंगे। ये याद रखना है नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव साइन होते हैं जबकि राइट साइड पर आपके पॉजिटिव होते हैं। तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। लेकिन मेरा नंबर जो है वो माइनस में 2.75 है। तो देखें 2 ये नंबर है और 2.75 यानी 75 का मतलब है कि 100 पॉइंट्स हैं। तो ये आप समझ लें कि 2 से लेके 3 के दरमियान में 75 जो आएगा वो लगभग यहाँ पे करके कहीं आएगा। तो आप यहाँ पे एरो बना के इसके ऊपर क्या नंबर, ये नंबर नहीं लिखेंगे बल्कि ये लिखेंगे कि 11/4 आपका नंबर यहाँ लाई करेगा। ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह से आपने कॉपी के ऊपर बताना है कि ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा। तो वो आपने जस्ट अपनी कॉपी पे इस तरह से, ये रफ अमल होगा आपका, इस तरह से आप जान सकेंगे कि ये नंबर कितना है और कहाँ पर लाई करता है। इस तरह से इसके आगे जो उसने क्वेश्चन नंबर 2 दिया वो जस्ट देखें उसमें सेकेंड पार्ट में जस्ट उसने 2 दे दिया। तो 2 आप एग्जैक्ट आप नई नंबर लाइन बनाएंगे तो इसके ऊपर आप इस तरह से नई नंबर लाइन बना के, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, तो 1 and 2 ये देखें ना, 1 माइनस का ये 2 माइनस का, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ लिख देंगे -2, तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से 2/5 है। तो बेटा उसको भी आपने पहले 2 को अंदर रख के आपने क्या करना है, 2 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करना है। तो देखें 0.4 आ रहा है, देखें ना 5 4s are 20। तो आप क्या करेंगे, आप नंबर लाइन के ऊपर क्या करेंगे, 0 देखें ना ये पॉजिटिव में है, 2/5 जो है वो पॉजिटिव में है। तो आप इधर इस तरफ को आएंगे राइट साइड पे 1 2 3, तो लिहाजा देखें आपके पास 0.4 आया। तो इट मींस के 0.4 है ये आपका, ये आंसर जो है वो 0.4 है। तो आप देखें यहाँ से लेके 0.4 तकरीबन यहाँ पर आपका लाई करेगा पॉइंट। तो आपने इधर ऊपर करके इधर लिख देना 2/5।
इसी तरह से इसका जो लास्ट पार्ट है वो 3/5 उसने दिया है, तो 3 को आप अंदर रखें, 5 पे डिवाइड करें तो देखें 5, 6 30.6 आ रहा है पॉइंट। इसमें देखें 3/5 है तो माइनस में आपके पास 0.6 आंसर आ रहा है माइनस में। तो अब आपने नंबर लाइन पे फिर वही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, समझ लें यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1, 2, 3। तो देखें ये बेटा माइनस में है तो आप इस लेफ्ट साइड पर आएंगे, तो लेफ्ट साइड पे आप एक नंबर लगाएं -1, -2, -3। तो अब -3/5 का जो आंसर आया वो मेरे पास -0.6 आया, तो ये आप समझ लें 0.6 लगभग 5 के सेंटर में ही, यानी 0.101 के दरमियान में ये लाई करेगा। तो यहाँ पर आप लिख दें 3/5 माइनस में, नंबर आपने यही लिखना है जो गिवन होगा, ना कि 0.6 आपने जो सॉल्व करके निकाला होगा, आपने नंबर वो मेंशन करना है जो उसने दिया होगा। इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट है, कहता है डू बोथ नंबर -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। यस बेटा, इसको आपने यस जस्ट लिखना है। क्यों यस लिखना है? क्योंकि देखें ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, -2/3 और 2/-3, ये दोनों सेम नंबर हैं। अगर माइनस ऊपर है या नीचे है, ये पूरी वैल्यू एक होती है। अगर देखें ना, मैं 5 के साथ माइनस लगा दूं या मैं 3 के साथ माइनस लगा दूं, तो इसी तरह से अगर मैं 1/2 लिख दूं और इधर माइनस लगा दूं, तो ये भी एक वैल्यू है। इसको मत समझें कि 1 अलहदा है, 2 अलहदा है, ये सारी वैल्यू एक होती है। अगर 5/3 है तो ये भी सारी वैल्यू एक है। अगर इसके साथ माइनस है तो देखें, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर में माइनस आएगा। तो आपने ये नहीं समझना कि आप जस्ट इसमें ये हम कर सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है, लेकिन नंबर रिप्रेजेंट जो आंसर आएगा वह दोनों का बराबर ही आएगा। तो लिहाजा ये दोनों जो है वो रिप्रेजेंट सेम नंबर को कर रहे हैं। तो ये आपका समझ लें कि इसका भी आपकी भी सेकेंड एक्सरसाइज जो है 2A जो है वो सॉल्व कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो आपको बेटा दोबारा से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई दोस्त नया आया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि इससे टीचर्स की हौसला अफजाई होती है और इससे आपको जो मेरी नई वीडियोज़ बनाऊँगा वो अब आसानी आप तक पहुँचती रहेंगी। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।